मोदी जी निकाले से अब सांग करे बाबू सांगाओ के उपाय है। मोदी जी तो निरा संगी है और झूठ बोलने मास्टरी है बांगी। उस झूठ को छोड़कर अपन को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और कांग्रेस का कार्यकर्ता है गांधी जी ने सदा स्तुत्य मानो और स्तुत्य मानता रहे। अभी तक महाराज का वीडियो है थे फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर, अब थे माना देश को सबसे पहले हमारा ऐप के ऊपर आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो झलको ऐप ने थारे आसपास की देसी अंदाज में हर पल की खबर ही बताने मिलेंगी। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो जलको सीकर। जलको सीकर पर आपने बहुत बहुत स्वागत है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा को जन्मदिन हो और वह जन्मदिन मनाए को नहीं ये वजह कि जी गाय के लंपी बीमारी चल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखो कि पिछले साल बहुत ही बड़ी धूमधाम तरीके से मनायो पर इस बार बिल्कुल ही तो आपने चलो चाल के देखा कि कहीं रौनक है कि कहीं खे रही। और गांधी जयंती है बिको पर जगह वहाँ कार्यकर्ता ही माओ की खणु है, तो चलो आप बड़े चाल के गोविंद पीसीसी जो अध्यक्ष हैं गोविंद जी डोटासरा करना चला और देखा थाने भी दिखावा कि आखिर जो के रीजन रही है बटे का ही रौनक है। साथियों आपने साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद ही तो साहब गांधी जी का जन्मदिवस पर के कुछ कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता। मैं प्रदेश की जनता यही संदेश है कि अपने गांधी जी को 2 अक्टूबर को जन्मदिन है, बीके सभी साथियों आप वही निवेदन है कि भी जन्मदिन पर ज्यादा आप कुछ कौन कर सकें, लेकिन एक अपन प्रण लेने से कि जो अहिंसा का जो मार्ग है उसको छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और जो झूठ जो फैला हुआ है उस झूठ को छोड़कर अपन को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो भाजपा सरकार के द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है तो मैं तो ये इतना ही कहना चाहूंगा कि उसको सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और जो सत्य का जो गांधी जी जो संदेश देकर गए थे उस सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। के खणु चाहूंगा माननीय पीसीसी पूरे अध्यक्ष का जन्मदिन भी है और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी अठम से अपना शहर के सिक्कर के थ्रू जगह निभाई जा रही है के कहीं कांग्रेस का मान रूल है। मैं अतो ही कहना चाहूंगा माननीय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो जन्मदिन था तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जन्मदिन बड़ी धूमधाम से इसलिए नहीं मनाया क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी का एक संदेश था कि जो किसान कौम है उस किसान कौम के जो गायों वर्तमान में जो लंपी बीमारी है उससे ग्रसित है, तो उसने किसानों के साथ जो वर्तमान में जो समस्याएं चल रही है उसके कारण अपना जन्मदिन नहीं मनाया, तो उसके उपलक्ष्य में हमने उनके संदेश को मानते हुए सीकर में अनेक स्थानों पर गौशालाओं में जाकर गायों को युक्त लड्डू वितरित किए, खुआए उनको, केले वगैरह खुआए और जो कच्ची बस्ती में जो ऐसा जो बच्चे रहते हैं उनको जरूरतमंद सामग्री फल वितरित किए, हर्ष पर्वत पे किए और जो मानव सेवा संस्थान है उन जगह जगह पर जाकर हमने मानव सेवा एवं जन सेवा के कार्य किए और लोगों को ये संदेश दिया कि ये जो भयंकर लंपी बीमारी है उनमें अपन सब मिलकर जैसे कोरोना में अपन सब ने मिलकर जैसे लोगों का सहयोग किया था, तो उसमें हम लोगों से यही उम्मीद करते हैं, सबसे हम यही अपील करते हैं कि इस गायों के मामले में अपन सब सहयोग करें तब जाके इस बीमारी होगी। सरकार अपनी तरफ से फुल मेहनत कर रही है, सरकार रात दिन गायों के लिए हेल्प कर रही है, दवाएं उपलब्ध करवा रही है, लेकिन लोगों को इसमें आगे आकर गायों की हेल्प करनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। नमस्कार सब, गांधी जी का जन्मदिन दिवस है भी पर क्या होगा संदेश की है? अहिंसा का पुजारी है, काल शास्त्री जी ने भी पूरा देश याद करेगा, गांधी जी ने भी याद करेगा। गांधी जी है जगह मार्गदर्शक है भारत का और नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी का। गांधी जी है जगह अहिंसा का पुजारी होते हुए और बिना कोई अस्त्र शस्त्र के पूरे देश ने आजादी दे रही। गांधी जी भारत का और नहीं पूरे विश्व का मानिस्ता आदमी है। तो जी कांग्रेस की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा मिलती क्योंकि स्टार्टिंग सुबह 20 जुड़े नहीं तो के कहीं खेणु चाहो जनता ने आजकल का जो माहौल है भी के साथ। गांधी जी आंदोलन चलाए वो अहिंसा को हो, कांग्रेस का जो सिपाही है कांग्रेस की जो की पार्टी भी कहा मार्गदर्शक है और आज कांग्रेस भी बाइक के पर चलना प्रचार लिए, बीजेपी वाला है जो फासिस्टवादी है और वह है जो बाकी विचारधारा भी अलग है। संघ का जो है कि जो सारो पूरा देश जाने भारत का संघ बीजेपी भी नरेंद्र मोदी माने नहीं, मोदी जी तो बहुत मानी गांधी जी। मोदी जी निखाले से अब सांग करे बाबू सांगाओ के उपाय है। मोदी जी तो निरा संगी है और झूठ बोलने मास्टरी है बांगी। और बाकी बराबर को कोई झूठो आदमी आज तो देश में मन तो दिख रहे हो इकट्ठी। तो गांधी जी का जन्मदिवस पर विशेष तौर आपने जी की पब्लिक कांग्रेस की तरफ स्पेशली के कोई प्रोग्राम होना हो गया अपने? कांग्रेस सदा ही करे, वर्ष बीत गया कांग्रेस का जगह नुमाइंदा कांग्रेस का जगह सिपाही और कांग्रेस का जगह कार्यकर्ता है गांधी जी ने सदा स्तुत्य मान्यो और स्तुत्य मानता रहे और सदा ही 2 अक्टूबर ने गांधी जी ने शास्त्री जी ने बाकी देहावसान के बाद मानने लाग रहे। गोविंद जी आपका जन्मदिवस पर की मनाया को नहीं भाई एक नया इनिशिएटिव लिए कि भाई लंपी बीमारी की वजह से तो के कहीं खड़ो लंपी बीमारी के कारण से
आज पूरे प्रदेश स्तर पर जो पिछली वर्ष मनाए हो बयाल को जन्मदिन सब काले मनाए को नहीं, क्योंकि किसान वर्ग जी को है वो कृषि के सागे सागे पशुपालन से भी जुड़े है और पशुपालक होने के नाते पशुओं की भयंकर बीमारी चाली है और खूब पशु है काल का ग्रास हुआ है। इस स्थिति के मायने अब काले है कि जो मियाँ भव्य रूप से कोई मनाए गयो जी गैल ने मनाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद थारो। तो साथियों थारी ई वीडियो पर के राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बतायो और थारे भी सबने गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने जो भी पीसीसी अध्यक्ष ने बधाई दे बनाया वहाँ का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलांगा कोई अगला वीडियो को मान, तब तक के लिए जय सिख जय राजस्थान जय हिंद।